कोलकाता को लास्ट 6 बोल में चाहिए थे 31 रन। फिर शाहरुख के दुलारे रिंकू का आया तूफान और रिंकू ने किया ऐसा कमाल, 6 गेंदों में जड़ डाले 31 रन। पहले गेंद पे उमेश यादव ने यश दयाल की गेंद पर 1 रन लिया, रिंकू सिंह ने फिर दूसरे गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का लगाया, रिंकू सिंह ने स्क्वायर लेग पर फिर तीसरे गेंद पे भी छक्का मारा, फिर चौथे गेंद पे रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑफ पर छक्का जड़ा, फिर पांचवें गेंद पे रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन पर सिक्स मारा, फिर छठे गेंद पे रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन पर छक्का मारा और इसके साथ ही रिंकू सिंह ने इतिहास रच दिया और कोलकाता को जीत दिलाया। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस ने इस मैच में 204 रन बनाए थे, उसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 207 रन बना डाले, जिसमें कि रिंकू सिंह का लास्ट का ओवर में 6 गेंदों में जो 31 रन चाहिए थे उसमें उसने 5 छक्के जड़ डाले, जिसमें कि 31 रन वो बना डाले। और आपको बता दें दोस्तों कि रिंकू सिंह ने 5 छक्के जड़ के इतिहास रच दिया और शाहरुख खान का दुलारे पहले से ही थे और भी नजदीकी हो गए हैं। तो इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। आखिरी ओवर में इस टीम को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी और रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। उन्होंने 21 गेंदों में 48 रन की शानदार पारी खेली। इस मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 204 रन बनाए थे। गुजरात के लिए विजय शंकर ने 9/63, साई सुदर्शन ने 53 और शुभमन गिल 39 रन की पारी खेली। वहीं कोलकाता के लिए सुनील नारायण 3 और सुयश शर्मा ने 1 विकेट लिया। इसके जवाब में कोलकाता ने खराब शुरुआत की और 28 रन इसके जवाब में कोलकाता ने खराब शुरुआत की और 28 रन पर 2 विकेट खो दिए। इसके बाद वेंकटेश अय्यर 29 रन ने शतक की साझेदारी कर मैच अपनी टीम को वापसी कराई। वेंकटेश अय्यर 83 रन बनाकर आउट हुए। नीतीश राणा ने 45 रन बनाए। वहीं रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई और इतिहास रच दिया। गुजरात के लिए राशिद खान ने 17वें ओवर में हैट्रिक ली थी, लेकिन उनकी हैट्रिक बेकार गई। अलजारी जोसेफ ने 2, जोशुआ लिटिल और मोहम्मद शमी ने 1-1 विकेट लिया। आपको बता दें दोस्तों कि इस मैच ने कई बार करवट बदली। गुजरात ने इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए धीमी शुरुआत की थी। 18 ओवर तक इस टीम का स्कोर 4 विकेट पर 159 रन था। इसके बाद विजय शंकर की तूफानी पारी के चलते गुजरात ने 2 ओवर में 45 रन बनाए थे और कोलकाता के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा था। विजय शंकर ने 24 गेंदों में 63 रन बनाकर नवाद रहे थे। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।